जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 35, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ थ्रोस कीवर्ड इन चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा। जावा में एक्सेप्शंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। हमने इससे पिछले के वीडियोज में अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि एक्सेप्शन क्लासेस की जो हायरार्की है, इनमें सबसे टॉप पे होती है थ्रोएबल क्लास, जिसकी डायरेक्ट पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। थ्रोएबल की चाइल्ड क्लासेस में से एक क्लास है एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास सभी प्रकार की एक्सेप्शन क्लासेस की पेरेंट मोस्ट क्लास है। एक्सेप्शन क्लास की कई सारी चाइल्ड क्लासेस हैं और फिर उनकी भी फर्दर कई सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। एक्सेप्शन की डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस की लिस्ट में रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी सभी डिसेंडेंट क्लासेस कलेक्टिवली कहलाती हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। यानी रन टाइम एक्सेप्शन और उसके नीचे की सारी क्लासेस ये मिलकर कहलाती हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो आपके प्रोग्राम में अगर कोई एक्सेप्शन रेज होती है और वो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, तो इसका मतलब है वो क्लास रन टाइम एक्सेप्शन या उसकी कोई डिसेंडेंट क्लास है। एक्सेप्शन की बाकी डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस और उनकी डिसेंडेंट क्लासेस कहलाती हैं चेक्ड एक्सेप्शन। यानी क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन या आयो एक्सेप्शन, ये सभी चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आती हैं। इस डायग्राम में सभी क्लासेस नहीं बनी हैं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है। अभी बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस इसमें मिसिंग हैं। चेक्ड एक्सेप्शन से कंपाइल टाइम में एरर आती है, पर इस बात को हम पहले समझते हैं। जावा के लिए पहले से कुछ एक्सेप्शंस प्री लिस्टेड हैं। जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं तो जावा जानती है कि ये एक एक्सेप्शन है। हम जानते हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में अगर लिखा है, फॉर एग्जांपल एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और हमने यूज़र से x और y की वैल्यूज एंटर कराई हैं, तो जहाँ पर ये लाइन लिखी है हमने प्रोग्राम में, मान लो यूज़र ने y की वैल्यू 0 अगर एंटर कर दी तो ये x डिवाइडेड बाय 0 हो गया। और ये जावा की नज़र में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सेप्शन आ रही है। मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना जावा की नज़र में एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब जावा के पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, सिचुएशंस, अब कई सारी सिचुएशंस हैं जावा की नजर में जिसमें से डिवाइड बाय जीरो एक सिचुएशन है। ये सारी सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन हमारे प्रोग्राम में अगर आएगी तो जावा ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मतलब ये सिचुएशन जब भी आएगी वो कैटेगरी को प्रॉपरली डिफाइन करने वाली कोई एक्सेप्शन क्लास बनी होगी। जैसे डिवाइड बाय जीरो के लिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन बनी हुई है, तो जब भी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हमारे प्रोग्राम में जावा देखता है, उस सिचुएशन में किसी अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसे थ्रो करना, ये जावा खुद ब खुद कर लेता है। इसी को मैं कह रहा हूं कि ऑटोमेटिकली जावा ने एक्सेप्शन थ्रो करी। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये भी जावा डिसाइड करे, और एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करना ये भी जावा करे। अभी तक हमने देखा था कि हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करें और हम कैसे किसी एक्सेप्शन को थ्रो करें। तो इस लिस्ट में जो सिचुएशन नहीं है और उन नई सिचुएशन पर मुझे एक्सेप्शन थ्रो कराना है, तो फिर मुझे एक्सप्लिसिटली थ्रो कीवर्ड लिखना पड़ता है। पर आज हम लोग थ्रो नहीं, थ्रोस पढ़ने वाले हैं, जो कि अलग कीवर्ड। पर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि थ्रो कीवर्ड की मदद से हम खुद भी एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जावा की नज़र में जो पहले से सिचुएशंस एक्सेप्शंस मानी गई हैं उनके अलावा कोई सिचुएशन आती है
जिस पर मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली थ्रो कीवर्ड लिखकर ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, जावा की नज़र में जितनी भी ऐसी सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कहलाती है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरी कहलाती है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अभी तक हमने पढ़ा है अनचेक्ड एक्सेप्शन को, यानी कि जावा की नज़र में जितनी भी पहले से ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके प्रोग्राम में अकर कर जाने पर जावा को एक्सेप्शन थ्रो करना है, वो भी दो कैटेगरी में है। तो डिवाइड बाय ज़ीरो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में है। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनके अकर होने पर ड्यूरिंग रन टाइम, जिनके अकर होने पर जावा खुद ब खुद अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो कर देगा, ये सब अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या है उसको समझे। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके बारे में कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही डिटेक्ट कर लेता है, यानी हमारे प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी लाइंस लिख रहे हैं जिनमें से कोई एक लाइन है जिस पे चेक्ड एक्सेप्शन अकर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, हम डेटाबेस हैंडलिंग करने के लिए कुछ कोड लिख रहे हैं, ओरेकल से इंटरेक्शन करने के लिए कुछ कोड लिख रहे हैं, तो इस कोड में एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकती है। अब जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर इस लाइन को देखकर ये कहता है कि शायद इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है। अच्छा, अभी तक जब हम डिवाइड कर रहे थे x डिवाइडेड बाय y, तो इसको देखकर कंपाइलर ये नहीं कह पा रहा था कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। तो बात को समझिएगा कि यहां बात कर रहा हूं मैं कंपाइलर की, रन टाइम पे x डिवाइडेड बाय y के कारण अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज हो सकती है अगर y जीरो हुआ, लेकिन कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे अंदाजा भी नहीं होगा कि x डिवाइडेड बाय y से कोई एक्सेप्शन रेज हो सकती है, क्योंकि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। यानी जितनी भी एक्सेप्शंस हो सकती हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, x डिवाइडेड बाय y अनचेक्ड की कैटेगरी में। यानी इसको देखकर कंपाइलर नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये अनचेक्ड कैटेगरी में है, उसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है क्योंकि ये अनचेक्ड की कैटेगरी में, उसे चेक नहीं करना है। अनचेक्ड का मतलब क्या हुआ, कंपाइलर चेकिंग नहीं करेगा। तो कंपाइलर कुछ सिचुएशंस पे चेकिंग करता है, कुछ सिचुएशंस की चेकिंग नहीं करता। तो सिचुएशंस भी दो तरह की होगी, तो डिवाइड वाली जो सिचुएशन है इसको चेक नहीं करता है कंपाइलर, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिनको चेक करता है, खासतौर पर जब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जिनको देखकर कंपाइलर चेकिंग करने का काम करता है। तो कंपाइलर ने चेक किया कि अरे यहाँ तो एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन आ सकती है, तो कंपाइलर थोड़ा ना एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, वो तो रन टाइम पे ही हैंडल होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपसे ये कहेगा कि या तो इस एक्सेप्शन को आप हैंडल करो, कैसे, कोई ट्राई कैच लगाकर, या फिर आप जावा को बोलो कि वो हैंडल करे। मतलब जब हम ट्राई कैच नहीं बनाते हैं तो कौन हैंडल करता है हमारे एक्सेप्शन को, जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म, लेकिन वो तो करते ही है ना वर्क। लेकिन अगर चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी की कोई सिचुएशन बनती है तो जावा का कंपाइलर कंपाइल टाइम पे सिचुएशन को भांप लेता है और हमें ये एरर मैसेज देता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, या तो खुद ट्राई कैच लगा के उसे हैंडल करो या जावा को बोलो कि वो हैंडल करे। जावा को बोलो मतलब यस, जावा को बोलने के लिए ही हम थ्रोस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसकी ज़रूरत अनचेक्ड एक्सेप्शन में नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कंपाइलर चेकिंग नहीं दे रहा था।
तो इसीलिए यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम की एरर को ख़त्म करने के लिए दो में से कोई एक काम करना है, या तो आप थ्रोस कीवर्ड लिखेंगे या फिर आप ट्राई कैच लगा के उस एक्सेप्शन को हैंडल करने वाले हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शंस फोर्सेस प्रोग्रामर्स टू डील विद द एक्सेप्शन दैट मे बी थ्रोन। आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, ये कुछ एग्जांपल हैं चेक्ड एक्सेप्शन के। चेक्ड का मतलब है कंपाइल टाइम पे ही एक्सेप्शन आ रही इस बात का पता चल जाना, उसकी चेकिंग हो जाना। थ्रोज कीवर्ड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से कुछ लिखना होगा। पर सिंटेक्स समझने से पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि हमें समझ में आए चेक्ड एक्सेप्शन किस तरीके की आती है। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ये मेन फंक्शन की बॉडी और ये क्लास की बॉडी। मेन फंक्शन के अंदर मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिखी थ्रो न्यू, कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट में थ्रो करा देता हूँ, जैसे हमने क्लास नॉट फाउंड देखा या आईओ एक्सेप्शन देखा। मैं आईओ एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, आईओ एक्सेप्शन, तो आईओ एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना और वो थ्रो हो गया। बस एक ही लाइन लिखी है मैंने, या इसके बाद एक आध लाइन और लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, और इसमें लिख देता हूँ आफ्टर एक्सेप्शन। पर ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? ये लाइन तो चलेगी ही नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि एक बार एक्सेप्शन थ्रो हो गई तो फिर प्रोग्राम तो वहीं एंड हो जाएगा, क्योंकि हम तो इसको हैंडल कर नहीं रहे, हमने तो कोई ट्राई कैच नहीं लगाया, हमने तो फोर्सफुली एक एक्सेप्शन थ्रो करी। अभी मैंने डायरेक्टली इस एक्सेप्शन को थ्रो कर लिया है। नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ कोड ऐसा लिख रहे हैं जिसको देखकर कंपाइलर को लग रहा है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। खैर, फिलहाल कोई भी लाइन लिखी होगी जिसमें आईओ एक्सेप्शन आ रही होगी, ऐसा सोचें उस लाइन को। तो अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जाम्पल डॉट जावा। देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आनी चाहिए, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आयो एक्सेप्शन के लिए एक एरर ये आ रही है कि आयो जो है वो आयो एक्सेप्शन के लिए अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्लास का नाम उसे मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट, आयो एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं या फिर स्टार लगा दो। अभी इस प्रोग्राम को दोबारा से मैं कंपाइल करूँगा, अब देखते हैं। यस, अब आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। एरर अनरीचेबल स्टेटमेंट, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उससे पहले ही दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन। अनरिपोर्टेड मतलब इसके बारे में आपने पहले जावा को बताया ही नहीं कि इस तरह की कोई एक्सेप्शन आ सकती है। तो कंपाइलर कह रहा है मस्ट बी कॉट, मतलब आप ट्राई कैच लगाइए, और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, या फिर थ्रोज लिखकर बताइए कि जावा इसे हैंडल करे, यानी इस कोड में एक्सेप्शन रेज हो रही है, ऐसा जावा को बताना पड़ेगा। तो ये एरर को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, जहाँ पे मेन फंक्शन है उसकी बॉडी ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पर बॉडी स्टार्ट होने से पहले फंक्शन के आगे हमने लिखा थ्रोज कीवर्ड, और थ्रोज कीवर्ड के बाद उस क्लास का नाम जिसकी एक्सेप्शन इस फंक्शन के अंदर रेज हो सकती है। अब देखें अब क्या होता है, दोबारा से इसको कंपाइल कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कंपाइल किया, अब वो क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये एक अलग एरर है,
अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो ये एरर तो नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ थ्रोस कीवर्ड लिखकर ये मेंशन कर दिया है कि इस फंक्शन के अंदर कोई चेक टेक्स कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रही। अच्छा, अगर मैं ये ना लिखूँ और यहाँ पे आयो एक्सेप्शन की जगह लिख देता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अब मुझे बताइए ये जो एक्सेप्शन है ये तो अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है तो भी क्या कंपाइलर एरर बोलेगा? नहीं, अभी कंपाइलर एरर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये अनचेक्ड है, मतलब कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे इस लाइन में ये चेकिंग करी नहीं कि इसमें एक्सेप्शन रेज हो रही है। लेकिन अगर यही चेक्ड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि आईओ एक्सेप्शन, तो ये कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज हो रही है और इसके बारे में आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो आप थ्रोज लिखिए या ट्राई कैच लगाइए। इसलिए यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो वो एरर देता है। अगर मैं इस एरर को दूर करना चाहता हूँ तो मैं ट्राई कैच लगा के भी इस चीज़ को दूर कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा ट्राई, ट्राई की बॉडी बनाता हूँ, उसके अंदर ये थ्रोज करके लिखा हुआ है, थ्रो लिखा हुआ है, और फिर मैं लिखता हूँ कैच, कैच के अंदर मैंने लिखा आयो एक्सेप्शन ही, और फिर अंदर कुछ कोडिंग लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिख देता हूँ एक्सेप्शन, और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ ई डॉट गेट मैसेज। और इस तरीके से हमने खुद ने ट्राई कैच लगा के इस चीज़ को हैंडल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपाइलर एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या दिक्कत है? अच्छा, कर्ली ब्रैकेट की दिक्कत आ रही है, एक कर्ली ब्रैकेट कम लगा है, ये लगा दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रही है, क्योंकि या तो हमें ट्राई कैच लगा के हैंडल करना है या हमें थ्रोज लगाकर जावा को बोलना है कि वो इसको हैंडल करे। पर अगर थ्रोज लगा के आप जावा को बोलते हो कि इसमें एक्सेप्शन रेज हो रही है तो इससे सिर्फ कंपाइल टाइम पे जो एरर आ रही थी वो नहीं आएगी। अगर हमने कैच नहीं बनाया है तो जावा की कैच चलेगा और वो प्रोग्राम को एंड कर देगा, तो वो तो बात हमें याद रखनी है। तो थ्रोज लगाने से सिर्फ कंपाइल टाइम की एरर को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कैच लगाकर ही आप एक्चुअल में एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हो। तो ये जो सिंटेक्स था ये आपको समझ में आया कि फंक्शन के नाम के बाद आप थ्रोज लिखकर एक्सेप्शन क्लास का नाम लिख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा तरह के एक्सेप्शन अगर इस फंक्शन में आ रही है तो आप एक्सेप्शन क्लास का नाम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाइए, जितनी चाहे आपको लिखना हो। तो यही जो कुछ बात मैंने आपको समझाई वही सब लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल है तो आप इसे अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि एक तो ये हिंदी में है और इसमें मैं पूरी सीरीज़ सीक्वेंशियली कंप्लीट कर रहा हूँ, तो कोई भी इन वीडियोज़ को देखकर आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकता है। आप मेरी वेबसाइट www.mysurgi.com पर भी विजिट करें, यहाँ पर मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिलेंगे जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। आप इनमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी देख सकते हैं जिससे कि आपके प्रोग्रामिंग स्किल भी डेवलप हो। आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिए, आप देखेंगे कि सारे वीडियोज़ के लिंक यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। तो यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं आपको, तो आप कमेंट्स के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।